Please like, share and subscribe our channel Photon Boost. Also, do not forget to press the bell icon for further updates. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल फोटोन बूस्ट। मेरा नाम है यशपाल मीना और आज मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा हाल ही में रिलीज हुआ सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड का रिजल्ट। वेलकम टू आवर चैनल फोटोन बूस्ट। तो स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं क्लास 10th के रिजल्ट्स के बारे में जो हाल ही में सीबीएसई ने रिलीज किए हैं और इसमें काफी बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है। कुछ बच्चे बदकिस्मती से कंपार्टमेंट आए हैं, कुछ बच्चे जो है फेल हो गए हैं, मगर घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि इन सभी बच्चों को किस तरह से डील करना है अपनी प्रेजेंट कंडीशन के साथ में। मगर सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा उन सभी बच्चों को जिन्होंने बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया है। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों ने भी अपना रिजल्ट अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, वो बच्चे इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक को ढूंढ सकते हैं। वहां पे एक लिंक हमने दे रखा है, cbscresults.nic.in का डायरेक्ट विंडो का लिंक है जिस पर आपका रिजल्ट शो होगा। उस लिंक पे आप जाके क्लिक करके अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों को अपना रिजल्ट SMS के थ्रू चाहिए, वो अपने SMS बॉक्स में जाकर CBSC 10 स्पेस रोल नंबर स्पेस एडमिट कार्ड ID डालकर उसे 7738299899 के ऊपर सेंड कर सकते हैं। इसके बाद में मैं बात करना चाहूंगा एक कंपैरिजन की जो गर्ल्स बॉयज और ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स में आया है। तो एक बार फिर से गर्ल्स ने जो है इन एग्जाम्स में बाजी मारी है। उनका जो पासिंग परसेंटेज है वो 93.31% रहा है। बॉयज का पासिंग परसेंटेज 90.14% रहा है। उसके अलावा बहुत अच्छा परफॉर्म किया ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स ने भी, 78.95% इनका पासिंग परसेंटेज रहा है, जो पहले से काफी अच्छा इम्प्रूव हुआ है। मैं इन बच्चों को अलग से बधाई देना चाहूंगा। इसके आगे हम बात करेंगे कि कितने बच्चे इन एग्जाम्स में बैठे थे, कितने पास हुए, कितनों के कंपार्टमेंट्स आए, और उन बच्चों के बारे में बात करूंगा जिन बच्चों के बारे में अभी तक किसी ने भी बात नहीं की है, कोई उनको पूछ नहीं रहा, उनके विषय में बात नहीं कर रहा है, क्योंकि वो बच्चे बदकिस्मती से इन एग्जाम्स में फेल हो गए हैं या पास नहीं हो पाए हैं, उनके कुछ नंबर कम रह गए हैं, इसकी वजह से वो अगली क्लास में नहीं जा पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि टोटल जो अपियर्ड स्टूडेंट्स थे, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपियर हुए थे इस बार के सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में, वो थे 18,73,015, यानी कि 18,73,015 बच्चे जो हैं टोटल एग्जाम में बैठे थे। इनमें से 17,13,121 बच्चे पास हो गए हैं। इनका टोटल में से प्रतिशत तकरीबन है 91.46%। इसके अलावा जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई है उनका नंबर है 1,50,198, ये टोटल का 8% है। और इसके अलावा जो चौथी कैटेगरी जिसके बारे में एक्चुअली बात करनी जरूरी है, बहुत ज्यादा उन बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है फेल होने वाले बच्चे जिनका प्रतिशत जो है टोटल में से वो है 8.54%, और इनका नंबर है 1,59,884। तो ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है, काफी बच्चे जो है वो फेल हो गए हैं। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। इन बच्चों के लिए वीडियो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि ये बच्चे जो है अपना हर्ट लूज करके बैठे हैं, बहुत ही एक तरह से टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, जो कि बहुत ही दुख की बात है, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि ये बच्चे टूट जाए। जितने हमारे लिए टॉपर्स जरूरी हैं, क्योंकि देखिए टॉपर्स की बात सभी कर रहे हैं, सभी न्यूज चैनल्स इनके अपडेट्स दिखा रहे हैं, यूट्यूब पे भी उनके बार बार फोटोज आ रहे हैं, वीडियोज आ रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि आप टॉपर कैसे बने, उनसे रेसिपी जानने की कोशिश की जा रही है टॉपर बनने की, और यही हर साल यही एक ड्रामा रहता है। मैं ऑलरेडी बधाई दे चुका हूँ इन बच्चों को, बहुत उन्होंने मेहनत की है, इसमें कोई दोराय नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है सक्सेस का किसी भी तरह से। मेहनत इकलौता जो है आपके पास में ऑप्शन, स्मार्ट वर्क कीजिए। तो इन्होंने वो किया और ये अच्छे मार्क्स लाने में कामयाब हुए। खैर बहरहाल, मगर इन बच्चों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है जो बच्चे इस साल रह गए, हम आज इन्हीं के बारे में बात करें। मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि इन बच्चों को लग रहा है कि इनकी इमेज खराब हो गई है, इनके पेरेंट्स को भी लग रहा है, क्योंकि अक्सर बच्चों के मार्क्स जो है वो प्रेस्टीज इश्यू बन जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज है। इससे बच्चे के ऊपर मेंटल प्रेशर पड़ता है, और मेरा यकीन मानिए, ये मैसेज पेरेंट्स के लिए है, मेरा यकीन मानिए कि बच्चे इस तरह का जो बोझ है, इस तरह का जो मेंटल प्रेशर है, उसको उठाने के लिए उतने सक्षम नहीं है, उनके कंधों में इतनी शायद जान नहीं है कि इस तरह के
फेलियर का जो है वजन वो उठा ले। असल में ये फेलियर उतना बड़ा नहीं है, मगर सोसाइटी इसे इतना एम्पलीफाई कर देती है, सोसाइटी इसको इतना इतना भारी भरकम वजनी बना देती है बच्चों के लिए, कि बच्चों के लिए इसका बोझ उठा पाना बड़ा ही कठिन होता है। और इसके रहते कई बार बच्चे बहुत गलत कदम भी उठा लेते हैं। आप जानते हैं वो गलत कदम किस तरह के होते हैं। कोटा में पिछले साल भी ये हुआ और ये बहुत ही दुखद था। तो बच्चों के ऊपर वो मेंटल प्रेशर एजुकेशन का बनाना बहुत ही गलत है। एजुकेशन इज ऑल अबाउट लर्निंग, इट्स नॉट अबाउट क्रिएटिंग प्रेशर। मगर फिर भी समाज, सोसाइटी, आसपास के लोग ये काम करने में पीछे नहीं हटते हैं। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स के लिए जरूरी चीज ये है कि अगर उनका बच्चा फेल हो गया है तो विक्टिम इस समय बच्चा ही है। उसे और विक्टिमाइज करने के बजाय उसे संभालिए, उसे हिम्मत दीजिए, और उससे पहले आप खुद हिम्मत रखिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बच्चा अगर फेल हो गया है तो ये सिर्फ ये दिखाता है कि या तो बच्चे ने साल भर उतनी तैयारी की नहीं, या फिर बच्चा जो है प्रेशर डील कर नहीं पाता ठीक से, चाहे वो तैयारी के दौरान की बात हो या एग्जामिनेशन हॉल के उन 3 घंटों की बात हो। अगर उन 3 घंटों में भी बच्चा अपना दिमाग ठंडा नहीं रख पाएगा, उस प्रेशर के साथ अगर डील नहीं कर पाएगा, तो इस तरह का रिजल्ट बहुत ही लाजमी सी चीज है। तो आपको बच्चों को जो है उनके सही भविष्य की तरफ गाइड करना है, ना कि उनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करना है। सोसाइटी ये काम ऑलरेडी कर रही है, आप। अब मैं उन कुछ हस्तियों के बारे में आज आपको बताऊंगा, आज उन हस्तियों की लिस्ट में आपके साथ में लेकर जो है शामिल हुआ हूं। जो हस्तियां बहुत बड़ी हस्तियां हैं, मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है कि ये छोटा मोटा बड़ी बात वाली बात है, लेकिन फिर भी मैं उनके बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा। इन सभी हस्तियों के जिनके नाम मैं आपको अब बताने वाला हूँ, इन सभी हस्तियों में एक बात बहुत ही सामान्य है, और वो एक बात ये है कि ये सभी हस्तियां अपने अपने स्कूल के समय में एक ना एक बार तो फेल हुए ही है। तो मैं इन्हीं हस्तियों के बारे में बताने वाला हूँ। इन हस्तियों ने ये साबित किया कि स्कूल का जो रिजल्ट है वो आपका भविष्य तय नहीं करता है। हालांकि वो ये जरूर बताता है कि आपने इस साल कुछ नहीं सीखा है, मगर वो ये नहीं बताता है कि आपको कुछ भी नहीं आता है या आप कुछ सीख नहीं सकते। सबसे बड़ी बात, 10वीं का जो रिजल्ट आया है वो ये बिल्कुल नहीं बता रहा है कि आप कुछ सीख नहीं सकते हैं, वो केवल ये बता रहा है कि आपने कुछ सीखा नहीं है। एंड एजुकेशन इज ऑल अबाउट अनलर्न थिंग्स, जो आपने नहीं सीखा उन्हीं के बारे में है, जो सीख चुके हैं उनको कौन जानता है। ठीक, बहुत बढ़िया बात, आप सीख चुके हैं, आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए और सीखिए उन चीजों को जिन चीजों को आपने नहीं सीखा है, उनके ऊपर फोकस कीजिए। तो इसी लिस्ट में सबसे पहला नाम बहुत ही नामी गिरामी हस्ती है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। आप सभी जानते हैं इनके बारे में, अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। अल्बर्ट आइंस्टाइन को हम जानते हैं, एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे वो, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जब भी नाम आता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन की फोटो अपने दिमाग में अपने आप ही बन जाती है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन्होंने दी थी, इसके अतिरिक्त इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1921 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी। इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी डेवलप की थी और इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था 1931 के अंदर, और ये अपने स्कूल में फेल हो चुके हैं। अगला नाम है प्लाटो। प्लाटो एक एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर है, बहुत कुछ दिया इन्होंने ग्रीक सोसाइटी को। एक तरह से इन्होंने ग्रीक सोसाइटी को सिविलाइजेशन बनने की और जो है रास्ता दिखाया है, उनका जो पाथ है उसे एनलाइटन किया है प्लाटो ने। और प्लाटो को भी स्कूली शिक्षा में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। इन्होंने इसके लिए कुछ लिखा था, इन्होंने कहा था कि नॉलेज दैट इज एक्वायर्ड अंडर कंपल्शन ऑब्टेन्स नो होल्ड ऑन द माइंड। वो ज्ञान जो बंदिशों में रहकर पाया जाए वो दिमाग पे काबू नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बात है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना स्कूली सिस्टम ही छोड़ दें या उसे इन्होंने गलत कहा है। नहीं, उन्होंने गलत नहीं कहा है। इनके कहने का तात्पर्य ये था कि अगर स्कूल में कोई खराब रिजल्ट आप देख लेते हैं तो उसे हावी ना होने दें अपने ऊपर, उसे हावी ना होने दें, उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करें, उस रिजल्ट को एक मौके की तरह देखें, वो एक चांस भी हो सकता है। क्या पता अगली बार आप चीजों को बहुत अच्छा सीख जाए, और इस क्या पता को पूरी तरह से पता में आप ही बदल सकते हैं अपनी मेहनत से। अगर आप सीखना चाहेंगे तो आप बिल्कुल सीखेंगे और कोई आपको रोक नहीं सकता। अगला नाम जो मैं लेने जा रहा हूँ वो है विंस्टन चर्चिल का। विंस्टन चर्चिल जिन्हें सब जानते हैं, ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के हीरो रहे।
इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई सोल्जर थे, बिल्कुल नहीं। ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, 1940 से लेकर 1945 तक। वर्ल्ड वॉर सेकंड, अगर उसके बारे में आप कुछ जानते हैं थोड़ा बहुत, तो आपको पता होगा कि वर्ल्ड वॉर सेकंड 1945 में ही एंड हुआ था, उसका जो अंत हुआ था 1945 में हुआ था, और विंस्टन चर्चिल ने ही ब्रिटेन को एक तरह से लीड किया वर्ल्ड वॉर की विन की तरफ। इनके भी बड़ी अलग राय थी, इन्होंने कहा, आई ऑलवेज लाइक टू लर्न बट आई डू नॉट ऑलवेज लाइक टू बी टॉट। हो सकता है आपके साथ में भी यही समस्या हो, आप सीखना तो चाहते हो मगर आप ये नहीं चाहते कि हर बार आपको कोई पढ़ाए, आप अपनी ही गलती से सीखना चाहते हैं। बिल्कुल सीखिए, सीखने में कोई बुराई नहीं, आप जैसे चाहें वैसे सीख सकते हैं, मगर बस सीखने पर ध्यान दें, रिजल्ट पर नहीं सीखने पर ध्यान दें, एक्सेलेंस का पीछा करें, यही है सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए। अगला नाम मैं इस लिस्ट में लेना चाह रहा हूँ, थॉमस एल्वा एडिसन का, जिन्हें हम एक साइंटिस्ट, एक इन्वेंटर के तौर पे जानते हैं, मगर वो सिर्फ यही नहीं थे, वो एक अमेरिकन बिजनेसमैन भी थे। थॉमस एल्वा एडिसन भी अपने स्कूल टाइम में बहुत ही, उस समय के बहुत ही खराब विद्यार्थियों में से एक थे, ऐसा ये खुद मानते हैं, जो कि ये थे भी असल में। इन्होंने खुद ने इस बारे में लिखा है, आई रिमेम्बर दैट आई वॉज नेवर एबल टू गेट अलॉन्ग एट स्कूल, आई वॉज एट द फुट ऑफ द क्लास। ऐसा कहते हैं कि मैं अपने स्कूल में स्कूल के साथ नहीं चल पाता था, कहने का मतलब यह है कि स्कूल के विद्यार्थी बाकी जितना अच्छा कर पाते थे मैं उनके बराबर भी नहीं कर पाता था, मैं हमेशा उनसे पीछे रहा, इनफैक्ट मैं उनसे पीछे नहीं रहा, मैं हमेशा उनके कदमों में ही रहा, क्लास में मैं क्लास में सबसे पीछे था। ये बड़ी दुखद बात है विद्यार्थियों ने कहा, लेकिन उसके बाद में इन्होंने क्या किया वो आप जानते हैं, इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, इन्होंने फोनोग्राफ का आविष्कार भी किया, इन्होंने टेलीफोनी को इम्प्रूव किया, एक नए माइक का आविष्कार करके इन्होंने टेलीफोनी को भी इम्प्रूव किया था। और क्या आप थॉमस अल्वा एडिसन की कक्षा के बाकी विद्यार्थियों को जानते हैं कि वो कहां पर है, बताइए मुझे, क्योंकि मैं नहीं जानता। मैं इसलिए नहीं जानता क्योंकि उस पूरी कक्षा में केवल एक थॉमस अल्वा एडिसन था जिसे हम जानते, जिसे आप जानते हैं, और आप भी एक दिन थॉमस एल्वा एडिसन बन सकते हैं। खैर, तो इन लोगों के बारे में मैंने आपको आज बताया, हालांकि लिस्ट मेरे पास बहुत लंबी है, 48 लोग हैं इस लिस्ट में, मैंने आप ही के लिए लिस्ट अलग से तैयार की थी, मगर क्या है कि मेरे पास समय की जो है बंदिशों के कारण मैं इन 48 लोगों के बारे में आपको बता नहीं सकता, उनके नाम नहीं ले सकता हूं। हाँ, अगर आप इन 48 लोगों के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप इस लिस्ट को जानना चाहते हैं और इनके क्या विचार थे एजुकेशन के बारे में, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और मैं इस लिस्ट को आपके लिए जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF डाल दूंगा, वहां पर आप इनकी कही बड़ी बड़ी बातें भी पढ़ सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें जैसे कि मिस्टर मार्क ट्वेन ने कही। मिस्टर मार्क ट्वेन ने कहा था कि एजुकेशन कंसिस्ट मेनली इन व्हाट वी हैव अनलर्न। एजुकेशन का मतलब वही है कि क्या हमने नहीं सीखा है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने जो सीख लिया उस पर आप घमंड करें, बिल्कुल भी नहीं। एजुकेशन बस निरंतर सीखते रहने का ही नाम है, सीखते रहिए, यही कहा था इन्होंने। इस तरह की बड़ी बड़ी बातें इन बड़े बड़े लोगों ने लिखी हैं, ये बड़ी बड़ी बातें नहीं, ये बातें बहुत ही सामान्य बातें हैं, बस हम इनके ऊपर कभी विचार नहीं करते, कभी गौर नहीं करते, और इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है ताकि आप इन बातों पर गौर करें, आप अपनी स्कूलिंग को अपनी शिक्षा के रास्ते में ना आएं। इसका मतलब ये होता है कि आप स्कूल में सिर्फ सीखें, स्कूल में वही काम करें जो करना चाहिए, स्कूल में केवल सीखने का काम होना चाहिए, किसी तरह की प्रेस्टीज डेवलप करने की कोशिश ना करें कि आपको प्रेस्टीज इश्यूज हो जाए, अगर आप फेल हो जाए तो आपको ऐसा लगने लगे कि मेरी तो इमेज खराब हो गई। कोई इमेज खराब नहीं है, कोई इमेज थी ही नहीं, खराब क्या होगा, कोई इमेज नहीं, आपको कौन जानता है, विद्यार्थी होने के नाते आप खुद ही खुद को जानते हैं और कोई आपको नहीं जानता। अगर आपको अपनी अलग पहचान बनानी है तो इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, बहुत लंबा रास्ता है आपके लिए, उसे आपको तय करना है। इस तरह के छोटे छोटे फेलियर से रुकने की आवश्यकता नहीं है, ये मत सोचिएगा कि पढ़ाई छोड़कर पिंड छूट जाएगा, पढ़ाई छोड़ने के बारे में नहीं सोचा है, या कोई और गलत रास्ते के बारे में बिल्कुल ना सोचा है। जब भी फेलियर आता है, लोग अलग अलग तरह के लोग
अलग अलग तरह की विचारधारा से उसको डील करते हैं, कुछ जो डील नहीं कर पाते हैं वो टूट जाते हैं, मगर आपको डील करना है। मैं सिर्फ उन लोगों के बारे में जानता हूँ जो लोग हिम्मत से अपने हालातों से लड़ते हैं, और न सिर्फ लड़ते हैं, एक चैंपियन की तरह, एक विनर की तरह बाहर भी निकलते हैं। मेरा यकीन मानिए, जिस दिन आप जीत कर बाहर निकलेंगे अच्छे नंबर लेकर, उस दिन लोग सिर्फ आपकी तरफ देख रहे होंगे। इसलिए सिर्फ सीखने पर ध्यान दें, रिजल्ट के ऊपर ध्यान ना दें, एक्सीलेंस पर ध्यान दें। रिजल्ट आपका अपने आप अच्छा हो जाएगा अगर आप सब सीख चुके हैं। अगर आप सब सीख चुके हैं तो अपने आप रिजल्ट आपका सही हो जाएगा, इसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और यही बात मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूंगा कि वो इसको इतना बड़ा मुद्दा ना बने, तो बच्चे को सिर्फ ये समझाएं कि इस बार उसने कुछ नहीं सीखा है और इसी की वजह से उसे इस तरह का जो रिजल्ट है वो फेस करना पड़ा है। कोई बात नहीं बेटा, मेहनत करो, क्योंकि इस तरह के फेलियर्स जिंदगी में भी आएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप टूट जाएंगे उनके सामने। यहां से तो बस शुरुआत होती है, तो बहुत छोटी सी शुरुआत है। मेरा यकीन मानिए, जिस दिन आप बहुत बड़े हो जाएंगे, आप बहुत अच्छे किसी पद पर होंगे, आप कोई बहुत बड़ा काम कर रहे होंगे, उस दिन आप इन सब बातों को सोचकर हंसेंगे कि हाँ मैं फेल हुआ था, और उस दिन आप शान से बोलेंगे कि हाँ मैं फेल हुआ था, मैंने एक चीज को दो बार पढ़ा है, इसलिए मैं उस चीज के बारे में ज्यादा बेटर जानता हूँ। इसी के साथ मैं इस वीडियो को अंत करना चाहूंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव में, अपने जानकारों के पास, जहां भी इस वीडियो की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लीज उन बच्चों को ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि इस समय बच्चों को हिम्मत की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं सिर्फ अपने उन बच्चों के साथ में खड़ा हूँ जो बच्चे इस बार रह गए हैं, जिनकी हिम्मत टूटी पड़ी है। हिम्मत मत टूटने दीजिए, आपके साथ में हम भी खड़े हैं। फोटोन बूस्ट आपके साथ में खड़ा है। अगर किसी भी तरह की समस्या आपको किसी भी विषय के रिगार्डिंग आती है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, आप मेल भी कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल मेल आईडी पे, और हम उसका जो जैसा भी सोल्यूशन होगा वो आपको हम जरूर प्रोवाइड करवाएंगे। और देखिए, आप 10वीं कक्षा में, आपके किसी भी विषय, कोई भी विषय आपका इतना बड़ा नहीं है कि जिसका सोल्यूशन हम आपको दे नहीं सकते। हम आपको आपके सभी विषयों का सोल्यूशन दे सकते हैं, उनका हल दे सकते हैं, इसलिए हम पर भरोसा रखें और हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ जुड़िए और भी लोगों को जोड़िए। आप जो इस साल रह गए हैं, आपको एक साथ पास होकर अगले साल बाहर निकलना है, और वो भी अच्छे नंबर लेकर। इसीलिए आपको साल भर हमारे साथ जुड़े रहना है। तो प्लीज, जैसा कि मैंने कहा, लाइक करें वीडियो को और जितना हो सकता है शेयर करें, ताकि बच्चों की हिम्मत वापस लौटे, और इसे सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि आपको हमारे जो आगे आने वाले अपडेट्स हैं वो मिलते रहें। Also, do not forget to press the bell icon. वो घंटी का निशान जो है उसे जरूर दबा दें। उसे दबाएंगे तो आपको सबसे पहले हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसी के साथ मैं यशपाल मीना आपसे विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद।